दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको जानना है, बेहद ही ज़रूरी है, जिससे कि आप जो अपना पैसा भी बचा सकते हैं और स्मार्ट भी बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड। तो बात को स्टार्ट करते हैं, तो VLE को कहाँ कहाँ पर बचना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। तो मैंने वर्ड ओपन कर लिया, इंपॉर्टेंट अबाउट VLE। तो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की जब मैं बात करता हूँ, कल एक VLE ने कमेंट किया हुआ था, भाई कौन सी मार्केट की बात करो। तो सर, मैं मार्केट मतलब अपना जो लेवल है ना VLE वाला, उस लेवल में जितने लोग आते हैं उसको एक मार्केट बोला जाता है, कि भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो उस मार्केट की बात करता हूँ, ऑनलाइन मार्केट की बात करता हूँ, और आपके घर की मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कन्फ्यूजन हो गया था। तो चलिए बात को छोड़ते हैं, यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं, जो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे जो चल रहा है समाज में वो ये चल रहा है, आपको कई सारे ग्रुप में या फिर यूट्यूब पे, खुद ही यूट्यूब पे बहुत सारा स्कैम चल रहा है, और इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इम्पॉसिबल हैं। जैसे कि नंबर एक की बात कर लेते हैं, आधार न्यू एनरोलमेंट। सभी लोग जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में चल रहा है, CSC को नहीं मिला है, लेकिन कई सारे लोग हैं, भाई इतना लाओ, 3,000 लाओ, 4,000 लाओ, हम आपका स्टार्ट करा देंगे बाईपास। अभी हाल ही में दो लोग पकड़े गए हैं, ट्विटर अगर जो भी चलाते होंगे उनको पता होगा, बाईपास चला रहे थे न्यू एनरोलमेंट के लिए। कहाँ से चला रहे थे आई डोंट नो, वहाँ पे जितने भी देने वाले होते उसमें से देता तो कोई नहीं है, फिलहाल उनको कहाँ से मिला आई डोंट नो, चाहे जहाँ से लिए हों, लेकिन वो फंस गए और उनको जेल हो गई, ओके, जुर्माना भी देना पड़ा। तो आधार न्यू अगर आपको कोई देता है और बोलता है कि भैया आधार ले लो, आधार न्यू एनरोलमेंट आप कर सकते हो, ये आईडी ले लो, इतने रुपए का है, 3,000, 4,000, 5,000, तो अपना पैसा भी बर्बाद करोगे आपको, और पहली बात तो आईडी मिलेगी नहीं, और दूसरी बात अगर मिल गई तो वो बाईपास होगी, जिससे कि आप फंस जाओगे। तो इसको साइड कर दो, यानी कि इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आप जितना कम कर रहे हैं उतने में ही ठीक रहिए, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़िए। सो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आधार अपडेट आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो कि पॉसिबल हैं। आधार अपडेट का काम हुआ, ये भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है, किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं मिला है, तो आपको कैसे मिल जाएगा, आपको सोचना चाहिए। तो उसके लिए आधार अपडेट में भी अपना पैसा फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई मैसेज आता है या कॉल आता है किसी भी तरीके का, तो उस चक्कर में होता है, थोड़ा सा लालच करके ना आप जितना होता है उतना भी गंवा देते हैं। तो इसको भी साइड कर दीजिए, किसी भी प्रकार के मैसेज, किसी भी प्रकार के अपडेट पे ध्यान ना दें। आधार अपडेट जब ऑफिशियली अनाउंस्ड होगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा। देखिए, ऐसी बातें छुपती नहीं है, जब भी होगा ना ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा। तो इस चक्कर में ना पड़िए, बहुत ज़्यादा VLE इस चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। भाई जब कमाई नहीं हो रही है तो काहे बर्बाद कर रहे हो। थर्ड आता है आधार प्रिंट, ये पॉसिबल है, आधार प्रिंट आप कर सकते हैं। किस तरीके से ये लॉगरिथम कैसे वर्क करता है, आइए बात करते हैं। आधार प्रिंट गवर्नमेंट से ऑथोराइज वेबसाइट पे काम नहीं करता है। आप जाइएगा UIDAI की साइट से जो आप करते हैं, उस आधार प्रिंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आधार प्रिंट यूजिंग फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड कैसे निकालते हैं, मोबाइल रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो उसके लिए कई सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं, जो कि 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, ना जाने जाना कौन सा लॉगरिथम होता है, उस तरीके से वो वर्क करती है। ओके, तो क्या होता है उसमें, तो जो डेवलपर होते हैं, डेवलपर क्या होते हैं, जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, वेबसाइट के बाहर आपको क्या दिख रहा है उससे मतलब नहीं, वेबसाइट के अंदर उन्होंने क्या कोडिंग करी है उस पर डिपेंड होता है। इतना ज़्यादा दिमाग लगा के वो अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्मेट डाले हैं, फिर उसके बाद में KYC कैसे अपडेट होगा, QR कैसे जनरेट होगा, सब ऑटोमेटिक कर दिए, इतना झकास वर्क करता है। मतलब मैं शॉक्ड हो गया था जब मुझे पता चला इस बारे में, ये बात अभी की नहीं है, काफ़ी दिनों की है, जब मुझे पता चला कि आधार प्रिंट मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत तगड़ा काम करता है। तो मेरा क्या हुआ, मैंने वहाँ पे एक आधार प्रिंट किया हुआ था। तो क्या होता है उसमें, आप अपना आधार नंबर डालिए, जाके एक वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप गवर्नमेंट का जो है वेबसाइट होती है, वहाँ पे आधार नंबर डालिए, फिंगर लगाइए, वहाँ से आपका डिटेल्स आ जाता है, डिटेल्स को सेव कर लीजिए, फिर जो प्राइवेट वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके उसको अपलोड कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फ़ोटो भी ले आएगा, जो भी है सब कुछ ले आएगा। देन आपको वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। लोकल लैंग्वेज क्या होती है, मतलब कहीं कहीं हिंदी चल रही है, कहीं मराठी चल रही है, तेलुगु चल रही है, जैसा भी है पंजाबी चल रही है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप सबमिट करते हैं, मतलब विद इन सेकेंड्स एक आधार जनरेट होता है, फुल आधार, जिसमें एनरोलमेंट नंबर भी होता है, डेट ऑफ जनरेशन भी होती है, QR कोड स्कैन होता है, आधार ओरिजिनल होता है। तो मतलब ये आधार प्रिंट पॉसिबल है, लेकिन इसमें भी आपको बचना क्या है, मतलब जब तक आप भरोसा ना कर लेना, पेमेंट मत कीजिएगा किसी को। पेमेंट का क्या सिस्टम है, इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है, इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है,
मतलब किसी काम को लेने के लिए अगर आपको ओरिजिनल जरिया नहीं पता है कि इस रास्ते से जाना है, तो आप गलत रास्ते पे अगर चले गए तो लौटते चले जाएंगे। कोई 500 आपसे लूट लेगा, कोई 1000, कोई कितना कोई कितना, उससे आपका क्या होगा, लॉस ही लॉस है। तो उस चक्कर में मत पड़िए, फिलहाल ये पॉसिबल है। ओके, ऊपर के दोनों इम्पॉसिबल। नीचे आते हैं पैन पोर्टल। पैन पोर्टल जो है ये भी पॉसिबल है, और सभी पैन पोर्टल दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई पैसा खा जाएगा। पैन पोर्टल के नाम पे क्या होता है, यूटीआई पीएसए जो है उसके नाम पे आपको बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। किसी ग्रुप में आप देखते होंगे, भाई इतने में आईडी ले लो, इतने का कूपन। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जो कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, कैसा मतलब, एक प्रिंटर 10,000 को कोई, आप 10,000 का हो और आपको कोई 10,000 की जगह 1,000 में दे दे, तो आपको विश्वास ना हो, तो कृपया करके कुछ इस प्रकार की चीज़ों पर ना ध्यान ना दीजिए। मतलब नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। मतलब कुछ भी हो गया, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट हो गया या ऐसा कुछ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो बस वहाँ से अपना हाथ हटा लीजिए। आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई 1 रुपया भी नहीं देता है, और आपको इस तरीके से वर्क कौन कराएगा। ओके, इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि आपको इतना अच्छा समझा दूँ ना कि अब कोई स्कैम या फ्रॉड में ना फंसे। ओके, पॉसिबल ये भी है, सभी पैन पोर्टल देते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा हो रहा हो वहाँ पे मत जाइएगा। NSDL पोर्टल को लेकर दोस्तों आपको बता देता हूँ, किसी भी चक्कर में ना पड़ें, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप NSDL पोर्टल यूज ना करें। जब भी यूज करना हो डायरेक्ट NSDL का हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। दो कंपनी चलती हैं, वर्टेक्स अलंकित, स्टील सिटी वो बंद कर दी गई है। ओके, तो अभी आपको अलंकित की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अलंकित या वर्टेक्स की, वहाँ से जो कॉन्टैक्ट नंबर मिले उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, और जो जो भी वार्तालाप हो आपका उनके बीच, फ़ोन कॉल के बीच, या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसके रिकॉर्डिंग करते रहिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी टेंशन ना हो। ओके, तो पैन पोर्टल को लेकर यहाँ पर बात खत्म हुई। अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है तो वहाँ पे आप अपना हाथ हटा लीजिए। फिर आता है पैन कार्ड प्रिंट। पैन कार्ड प्रिंट में क्या है, जो वेबसाइट देती है आपको NSDL का, UTI का, उसको हटाइए साइड, वो तो लीगल है। हम बात कर रहे हैं जो मार्केट में चल रहा है, इनलीगल। पैन प्रिंट का भी एक सॉफ्टवेयर चलता है, वेबसाइटें चलती हैं, वहाँ पे आप जाइएगा, ऑटोमेटिक सब सिस्टम है। मतलब डेवलपर्स ने बहुत तगड़ी कोडिंग करके रखी है। नाम डालो, पैन नंबर डालो, डिटेल्स डालो, और पैन प्रिंट। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, लेकिन लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले डिटेल्स अच्छे से लीजिए जिससे भी आप खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ ले लीजिए। या तो उसको पेमेंट आप 50% कीजिए, या तो अगर 100% कर रहे हैं तो आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, उस बंदे को आप पहले से जानते हों, तभी इसको लीजिए। नेक्स्ट आता है PMJ दिशा। PMJ दिशा को लेकर बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड चलता है। ईमेल वेरीफाई करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ना जाने क्या क्या। सो दोस्तों, जो भी सीखिए यूट्यूब से सीखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करके सीखिए, ऐसे लोगों से ना सीखिए जो आपका काम करके आपका फ़ायदा उठा के आपसे पैसे लूट लेते हैं। ओके, तो इन चक्करों में ना पड़े। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है पैसे लेकर तो मत करवाइए, जेन्युइन बंदा हो तभी करवाइए। नोन आदमी को अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर रहे हैं या फिर NADS दे रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो अपना थोड़ा सिक्योरिटी ना थोड़ा टाइट रखिए। ओके, नेक्स्ट आता है IRCTC। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आई होप आप सब लोग देखेंगे भी। IRCTC को लेकर भी बहुत सारे स्कैम चलते हैं। IRCTC का तत्काल पोर्टल ले लो, ये पोर्टल ले लो, अनरिजर्व्ड, ये वो पता नहीं क्या क्या, अनारक्षित रक्षित पता नहीं क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि IRCTC ऑफिशियली मतलब ऐसे जैसे लोग दे नहीं सकते। ओके, तो जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, ग्रुप पे आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है, भाई 2,000 में 1,500 में पैसा ना खर्च करो। और IRCTC का इतना अगर काम ही आ रहा है तो आप क्या कीजिए, IRCTC की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे देखिए रजिस्ट्रार कौन कौन है, कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको कॉल कीजिए। अगर वहाँ से कुछ ना जानकारी हो, IRCTC की वेबसाइट पर जाओ, फिर वहाँ पे पैन जो भी इनके IRCTC सेंटर हो उनको सर्च करो, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार यानी कि कंपनी का नाम मिल जाएगा, किस कंपनी से ऑथोराइज्ड है, उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर जाओ, और वहाँ से जो कॉन्टैक्ट नंबर आप उठाएंगे वहाँ पर कॉल कीजिए। और दोस्तों वेबसाइट पर जाने से पहले हमेशा देख लीजिए कि ऑफिशियली है या नहीं है। वो कैसे पता करेंगे आप, पहला तो लुक बहुत तगड़ा होता है, दूसरा उसका जो रैंकिंग है वो नंबर 1 पे होता है, प्लस वो ऐड नहीं होना चाहिए। इस टाइम क्या होता है, गूगल पे आप बहुत कुछ सर्च करते हैं तो ऐड आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ CSP सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए अभी तो ऐड नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, यहाँ पे कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो कि ऐड देती हैं। ओके, तो ऐड वाली पे मत जाइएगा, ऑफिशियल आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगी, लेकिन ये देखिए AD यानी कि ये ऐड है। ओके, इस वेबसाइट पे मत जाइए, फेक हो सकती है, मैं ये नहीं कहता ये फेक है, फेक हो सकती है।
फिर आता है डिजिटल इंडिया, CSP.in, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। तो सबसे पहले पूरी पुख्ता जानकारी कर लीजिए, देन अपना आगे बढ़िए। तो वही अगला टॉपिक था हमारा, बैंकिंग CSP। बैंकिंग CSP को लेकर भी बहुत सारा स्कैम फ्रॉड होता है। होता क्या है, एक VLE है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ही हूँ, मेरे पड़ोस में पंजाब नेशनल बैंक है। अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लगता है तो मैं समाज से कुछ ना कुछ पैसा कमाऊँ, मैं भी अकाउंट खोलूँ। तो उस चक्कर में हम करते क्या है, पहले तो बड़ी तगड़ी मेहनत करते हैं, 1 महीने 1-2 महीने, फिर उसके बाद में 15-20 हज़ार रुपये जब कमा लिए तब मन होता है कि CSP ले लें। अब CSP लेने के लिए अब आपकी दुकान पे तो कोई आएगा नहीं, बैंक आप जाएंगे तो वो बोलेगा कि, मैनेजर बोलेगा कि यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। देन आप क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं। ऑनलाइन जाने के बाद में ऐड वाली वेबसाइट पर आप चले गए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था, डायरेक्ट आपने कॉल कर ली और वो इतने प्यार से आपसे बात करेंगे, आप बस वहीं पर काम हो गया। अब आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पेमेंट ले लिया, 4-5 दिन सही से बात हुई और फिर गायब। ओके, फिर वेबसाइट पर जाएंगे तो या तो नंबर चेंज मिलेगा या तो नंबर उठेगा नहीं, और फिर आप अपनी हिम्मत हार के वो पैसा भी गवा देंगे। और सीधी बात बोल देता हूँ, अगर आप अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो पहले से ही ऐसी गलती मत कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, फेक फॉर्म को लेकर। वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, जिसने पूरा देखा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बीच में काट दिया तब भी धन्यवाद। ओके, फेक फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कई सारी वेबसाइट चलती हैं, ये योजना वो योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, और वो ऑफिशियली नहीं होती हैं। कई सारी वेबसाइट होती हैं, उसमें क्या होता है, डिटेल्स डालो, लैपटॉप योजना डिटेल्स डालो, 10 लोगों को शेयर करो, ऐसा वैसा वैसा। तो वहाँ पे वो लोग कई तरीके से कमाई करते हैं। पहला तो उनको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं, प्रमोशन क्या होता है, मतलब प्रमोट करना किसी चीज़ को, फैलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ही फैला रहे हैं। एक आदमी को पहुँचाया, 1-10 को पहुँचाएगा, 100 को पहुँचाएंगे, इस तरीके से उनका तो भाई चलता रहता है, क्योंकि जब तक आप 10 लोगों को शेयर नहीं करेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये भी होता है वहाँ पे, और वो बिल्कुल फेक होता है। तो ऐसे फॉर्म्स के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कभी नहीं कहती कि किसी चीज़ को शेयर करें। ओके, सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से रहिए, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बात आपको पसंद आई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा रेड कलर का, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।